मेरा दोस्त राज मोहल्ले के अंदर में मर गया। उस दिन में अपने मर्जी से जहर खा लेता, डूब जाता, तो आज ये मेरा दोस्त मुझे नहीं मिलता। मैं यहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं गंगा घाट। स्नान करता हो और जैसे मुंडा को जलाया जाता है वैसे उस दोनों को साथ को लंबा करके और चादर से ढक देता हो। और जो बाबा इंद्र ने बताया वो मैं कर रहा हूं। Thank you.
यीशु से कहा गया है और तू मेरे साथ शायद तू मेरे साथ मत हंसिया। ये कौन सा जगह है? मैं तो राज मोहब्बत के अंदर भारी सेना को हाथों से मारा गया था, लेकिन इस समय मैं जिंदा हो चुका हूं। लेकिन कौन जिंदा किया मुझे? कैसे मैं यहां तक आया? मैं हूं वो इंसान जो तुझे जिंदा किया है। क्या आपने मुझे जिंदा किया? क्या नहीं? भैया बोलो, इस समय आपने मुझे जिंदा किया। भैया इस समय ये कौन सा जगह है? क्या है मुझे जरा बताइए भैया। ये तो गंगा जी घाट है। मैं यहाँ तुम दोनों पति पत्नी का नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूं? जैसे ही आकाशवाणी हुआ बोला, अगर तुम इस किसी राजा को हवाले कर दोगे तो सब मार देगा, फिर इसका नाम निशान ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं भी जात का सफेरा हूं, मुझे दर्द आया। बाद में देखा जाएगा, जो करेगा राजा वो सोच लेंगे। पहले तो तुम दोनों का प्राण बचाया, अब जहां पर आपका घर है, जहां पर आपका परिवार है, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर दोनों अपने को नागी नागी मुनि से मनुष्य को नहीं दिए हैं, लेकिन सपेरे भैया को प्रणाम करते गए तो पीछे क्यों हो गए? वही बात मुझे समझ में नहीं आता है। जैसा मेरा दोस्त पहले बड़ा दमदार है, वैसा ही इसका शरीर, वैसा ही आवाज। देखिए भैया बोलिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भैया। क्या? कि आपका घर कहाँ है? आपका नाम क्या है? जा मुझे बताइए भैया। क्या मैं अपना चावेसी दिखाऊंगा? उससे क्या लाभ होगा मुझे? नहीं भैया, मेरा दिल कहता है कि आप मेरे पिछली वाले देवनंदन दोस्त हैं। भैया अगर आप मुझे सच बताएंगे तो मैं बस एक बार अपने दोस्त से गला मिल जाऊंगा। भैया ठीक है, जिस समय किसी से तूने दोस्त भी लगाया था, एक साथ जीने मरने का कसम खाया था, तुम अपना वादा तो
छोड़ करके तुम अपने दोस्त का धक्का मार करके आज मोहब्बत से निकाल दिया। आज तुम फिर वही रिश्ता जोड़ना चाहते हो भैया।
दास राज महाबा से बचा कैसा है, भाभी सोना कैसी रहती है, क्या करूंगा। ओ वहां से चल पड़ा, बाबा इंद्र ने बताया है बेटा देवेंद्र, अगर तुम अपने बाप सोना को इज्जत बचाना चाहता हो तो फौरन रुद्र सिंह को जिंदा करके अग्नि कुंड पर चढ़ाई कर दो। दास क्या इस बार भाभी सोना अग्नि कुंड में है, क्या हो रही मेरे दोस्त, अग्नि देव सिंह ने उसे हरण करके रखा है। क्या मेरे दोस्त, मेरा भाई अभी सोना को अग्नि देव सिंह ने हरण किया है। मेरे दोस्त इस समय लजाना मेरा भाभी सोना, अरे इस समय सोचने वाली बात नहीं है, यहां से मोरा करवाली को राज मोहब्बत भेज दो, यहां से अग्नि कुंड आज चलता हो। स्वर्ग देव सिंह ने मेरे भाभी सोना को जंगल से उठा कर अग्नि कुंड ले कर लिया है। क्या देवी सोना को अग्नि देव सिंह ने उठा कर ले गए हैं? क्या नहीं, तुम चल हंसराज बाबा, मैं दोनों दास से हंस अग्नि कुंड चलता हूँ। मैं यहां से राज बाबा जाती हूँ। क्या नहीं, देवी सोना को आप लेकर के बस करिए। ये तो सत्य खुला चल गया है, लेकिन इसमें